आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पूर्ण आहुति के साथ सहस्त्रधारा के साथ 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम हुआ संपन्न। ग्राम छपोरा निवासी रमैया साहू के घर में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम 21 नवंबर को संपन्न हुआ, जिसमें आसपास के गांव से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सहस्त्रधारा समापन के बाद आचार्य जी ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। इधर संबंध में कि बहुत ही अच्छा लगी भागवत बनायन भागवत कार्यक्रम रखे हैं, पूरा गांव भर के लिए सहयोग रही है और भोज भंडारा भी अच्छा रखे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में है और महाराज जी भी बहुत अच्छा टाइप से बहुत ही अच्छा ढंग से प्रवचन करी और कहना चाहिए एक गुड़ी तो चार के बराबर में अगर प्रवचन हमें करत हैं, अगर वो संबंधित में तो बहुत कम व्यवहार है, उसके अच्छा प्रवचन करके हमने सुनाई है महाराज जी। और जो अभी आखिरी दिन की जो कार्यक्रम रहते सहस्त्रधारा वाला, तो जो गंगा कहाँ से लाया रहा, गंगा महानदी से आ रही है, गंगा जी को सब स्नान करें गंगा जी में। ये श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे चाचा जी अरहनी तो करें, यह हमारे क्षेत्र के लिए पहली बार ऐसे करके श्रीमद् भागवत सुने और मेरी कथा हमें श्रवण करके हमारे बहुत कथा सुन के तो बहुत आनंद है, इसलिए बहुत आभारी हूँ महाराज को, इतना सुंदर ढंग से मतलब श्रवण हो गई है। पूरा ग्राम में बड़ा आनंद आया, यहाँ करके यदि अनुभव हुआ कि यहाँ के लोग कितने धार्मिक हैं, कितने सत्संगी हैं, क्योंकि 5 से 6 घंटा तक हम बंदी में बैठा कर इसके जो सभी बैठते हैं तो सभी धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, ये देख करके बड़ा अच्छा लगा और बहुत आशीर्वाद के छपा ऐसे ही स्नेह जो है बना रखे प्रति ब्राह्मण।